आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, एमएम पहाड़ी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्लाह खान, स्पोक्समैन एमबीटी। देर रात गए, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मुसलसल मुझे जो है पिछले दो दिन से और आज सुबह शाम से पेरेंट्स के और स्टूडेंट्स के, यानी जो लड़के लड़कियां इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट सेकंड ईयर पढ़ रहे हैं, उनके कंटिन्यू मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि किसी वजूहत के बुनियाद पर उनके वालिदैन फीस नहीं बनने की सूरत पे लड़के और लड़कियों के कॉलेजेस जो है आज हॉल टिकट नहीं दिए, और आज आखिरी तारीख थी हॉल टिकट लेने की, कल सुबह में एग्ज़ाम्स है। तो ये बहुत ही बड़ा जुर्म है मैनेजमेंट, कॉलेज के मैनेजमेंट हॉल टिकट रोकना और लड़के लड़कियों को एग्ज़ाम देने से रोकना, ये जो है राइट टू एजुकेशन के खिलाफ में है और एक क्रिमिनल केस कॉलेज के मैनेजमेंट पे पड़ सकता है। यकीनन मैं जो हूँ कि जो लोग फीस नहीं दे रहे हैं उनको हम कन्विंस करते हैं, क्राउड फंडिंग करते हैं, लेकिन बाद ऐसे वजूहत हो जाते हैं कि किसी के वालिदैन बीमार है, हार्ट अटैक आ गया या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, कारोबार नहीं चल रहा उसकी वजह से, तो हॉल टिकट नहीं रोक सकते मैनेजमेंट वाले। मैं तमाम मैनेजमेंट इंटरमीडिएट कॉलेजेस से गुजारिश कर रहा हूं कि आप हॉल टिकट मत रोकिए, बच्चों को एग्ज़ाम में बैठने दीजिए। अगर आप रोकेंगे, हमारे पास कोई कंप्लेंट आएगा तो कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन में मैं खुद जाकर कॉलेजमेंट मैनेजमेंट के प्राइवेट जो भी इंटरमीडिएट के कॉलेजेस के मैनेजमेंट है उनके खिलाफ में हम क्रिमिनल केस बुक कराएंगे। और एक बात, कई स्टूडेंट्स को ये बात की इतला नहीं है कि आप जो है डायरेक्टली इंटरनेट से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, यकीनन ये भी बदमाशी कर रहे हैं कि कुछ कॉलेज के मैनेजमेंट का वो इंटरनेट का जो डाउनलोडेड है उससे बच्चों को अंदर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि जहाँ पर सेंटर पड़ता है वहाँ के कॉलेज के लोगों को या तो मिला ले रहे हैं ये लोग, या नहीं तो इनका एक आदमी कॉलेज का वहाँ पर जाकर ठहर के कॉलेज का जो इश्यू करा हुआ सर्टी हॉल टिकट है, साइन और स्टैंप रहा तो ही उसको अंदर छोड़ रहे। तो मैं हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद, कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद, रचाकोंडा एंड ऑल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स एंड डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और आपके चीफ मिनिस्टर अनुमला रेवंत रेड्डी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इसका सख्त नोट लेते हुए, और हमारे आईजी इंटेलिजेंस से भी मेरी गुजारिश है कि इसका सख्त नोट लेते हुए कल सुबह अर्ली मॉर्निंग ऑल कमिश्नर्स, ऑल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ऑल कलेक्टर्स को ये मैसेज जारी किया जाए कि किसी भी मैनेजमेंट अगर बच्चों को हॉल टिकट नहीं दिए हैं, वो बच्चे इंटरनेट से हॉल टिकट डाउनलोड करके अगर एग्ज़ाम के लिए सेंटर पर आए, अपीयर हुए, तो उनको ना रोका जाए, उनको अलाउ किया जाए। और कॉलेज मैनेजमेंट की अगर किसी कोई लड़के लड़कियाँ आकर या पेरेंट्स आकर पुलिस स्टेशन में शिकायत कर रहे हैं तो उनके ऊपर क्रिमिनल, ना सिर्फ क्रिमिनल केस बुक करते हुए उनको गिरफ्तार करें, बल्कि उनका कॉलेज का परमिशन कैंसिल करना चाहिए। ये एक एजुकेशन माफिया है जो फीसों को लूट रहे हैं, एक एक लाख रुपए, एक एक फर्स्ट ईयर की फीस, सेकंड ईयर की फीस, एक एक लाख रुपए ली जा रही है। बताइए आप गरीब पेरेंट्स कहाँ से देंगे इतनी फीस? तो अगर आपके पास 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर एक 10 बच्चे फीस नहीं दे रहे हैं तो कॉलेज के मैनेजमेंट को इसको बर्दाश्त करना पड़ता है, किसी तरीके से बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मैं गुजारिश समझिए या वार्निंग समझिए कॉलेज के मैनेजमेंट्स को कि इस पर आप ध्यान दें। अगर कल किसी बच्चे का एग्जाम मिस होगा और किसी का अगर साल तबाह होगा तो इसके राज जिम्मेदार कॉलेज के मैनेजमेंट रहेंगे और गवर्नमेंट रहेंगी इसकी राज जिम्मेदार। शुक्रिया, यार जिंदा सबदवा। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन, 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम, खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स, महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। एमएम पहाड़ी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।